लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और हमने आपसे वादा किया है कि पूरे 400 दिन तक हम आपको चुनाव से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर दिखाएंगे। उसी कड़ी में आज 372वां दिन है और आज हम आपको दिखाने वाले हैं चुनाव से पहले कैसे धर्म वाली लड़ाई छिड़ चुकी है। कहीं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को लेकर सियासत गरमाई हुई है तो कोई वक्त की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की वकालत कर रहा है। आपको बीबीसी पर आयकर विभाग के सर्वे और त्रिपुरा में कल होने वाले मतदान की इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे, मगर उसके पहले बात पलामू की कर लेते हैं, जहां महादेव के तोरण द्वार बनाने को लेकर दो समुदायों में जमकर बवाल हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं लोग। कोई फोड़ देना चाहता है किसी का सिर, कोई चूर कर देना चाहता है किसी का माथा, कोई हाथ तोड़ देने के इरादे से पत्थर फेंक रहा है, कोई मार डालने पर उतारू है किसी को। जबरदस्त हड़कंप मचा है। दो तरफ से पत्थरबाजी हो रही है और सड़क पर पत्थरों का ढेर लग गया है। गुस्से का चरम देखिए कि आदमी गाड़ी पर बेतहाशा डंडे बरसा रहा है। कुछ लोगों ने इसी बाइक में आग लगाने की कोशिश की है। कुछ लोग इस डंडे बरसाने वाले आदमी से इसे जलते रहने के लिए कहते हैं। इधर नीचे से पत्थरबाजी हो रही है और उधर मस्जिद से कुछ लोग नीचे पत्थर फेंक रहे हैं। ये सारी पत्थरबाजी प्रशासन की मौजूदगी में ही हो रही है। तस्वीरें झारखंड के पलामू में पाकी की हैं। बताया जा रहा है कि महाशिवरात्रि के लिए तोरण द्वार बनाए जाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और विवाद इस कदर बढ़ा कि दोनों तरफ से पत्थर बरसने शुरू हो गए। बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ दुकानों को भी फूंक दिया गया। प्रतिनिधित्व का किया विवाद शिवरात्रि के अवसर पे गेट लगाने को लेके हुआ, जिसके कारण दोनों की तरफ से दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी की घटना की गई है, जिसमें कुछ हमारे पुलिस पदाधिकारी भी सक्रिय हुए हैं कंट्रोल करने में। हम लोगों ने बहुत संयम बरतते हुए, जिला प्रशासन ने बहुत संयम बरतते हुए, DCSP खुद स्वयं उस क्राउड को डिस्पर्स किए हैं। पत्थरबाजी के दौरान ही स्कूल में कुछ बच्चे फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित वापस निकाला गया। इलाके में धारा 144 लगा दी गई है और इंटरनेट बंद करने की कार्रवाई की गई है। हालात को देखते हुए कुछ दिन इंटरनेट बंद रखा जाएगा। अधिकारी अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की अफवाह का हिस्सा न बने। सुबह हम लोग को सूचना दी सकते हैं, फोर्स और मजिस्ट्रेट सब लोग हम लोग पहुँच गए और अभी स्थिति नियंत्रण में है और किसी को तरफ का कैजुअलिटी नहीं है और हम लोग कोशिश किया है कि किसी तरफ का नुकसान नहीं हो। और अभी 144 पूरा प्रखंड और परिसर में, पूरा टाउन में हम लोग लागू किया है और मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि किस तरफ का अफवाह को विश्वास न करें। इलाके के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि पाकी की शांति व्यवस्था को जानबूझकर अशांत करने की साजिश रची गई है। पाकी को बदनाम करने की ये सोची समझी साजिश है। ये आज आप यहाँ से आगे बढ़े, ये चौक से आगे, और चौक से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हजारों ईटा और पत्थर ऐसा पड़ा हुआ है ये नीचे में। ये पत्थर आया कहाँ से, और ये मस्जिद से के ऊपर है सब पत्थर आया कैसे, और कैसे ईंटा आया वहाँ पर और ये, और जब ऐसा ये जैसा कि ऐसे लोग बता रहे हैं कि कल है सो ये कुछ लोग है अपना ईंटा या पत्थर ईंटा चढ़वा रहे थे, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए और अशांत कराने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से ऐसे ऐसे ये सरकार ऐसा पर यह करे, व्यवस्था करे कि भविष्य में पाकी ऐसा बदनाम नहीं हो, पाकी अशांत नहीं हो। पत्थरबाजी से कैसे और कितना नुकसान हुआ है उसका अंदाजा अस्पताल में पड़ी इन चारपाइयों से लगाना आसान है। ये सुरक्षा कर्मी है जो बवाल को रोकने पहुंचे थे मगर पत्थरबाजों के शिकार हो गए। किसी का सिर फूटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का जबड़ा टूटा है, किसी के चेहरे पर चोट आई है। इन सब का इलाज चल रहा है। एहतियातन पाकी की सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। हालात अभी भी तनावपूर्ण है और प्रशासन
दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास कर रहा है, मगर जिस तरह से मामूली बात पर यह बहराम मचा वो शर्मनाक। पलामू से सत्यजीत कुमार के साथ करण, बाकी आज तक।